तू मेरी हीर में तेरा रांझा करता हूँ मैं तुझे। दोस्तों, क्या कोई रातों रात इतना बड़ा नाम बन सकता है कि दुनिया में उसके नाम का डंका बजने लगे? आज हम ऐसे ही स्ट्रीट सिंगर की बात करेंगे जिन्होंने शोहरत का वो मुकाम हासिल किया जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी तरसते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डार्क हिस्ट्री चैनल। भुवन बढ़ियाकर 300-400 रुपया कमाकर रात गुजारने वाले भुवन बढ़ियाकर कच्चा बादाम गाकर अपनी मूंगफली बेचा करते थे। लेकिन यही कच्चा बादाम का स्वाद जब लोगों तक पहुंचा तो आम जनता से लेकर सेलिब्रिटीज ने भी इस पर खूब रील्स बनाई। और भुवन को रातों रात लोगों की नजर में ला दिया। एक साइकिल में मूंगफली बेचने वाले भुवन ने अब खुद की बाइक ले ली। ये जिंगल सोशल मीडिया पर इतना हिट हुआ कि आज भुवन को हर कोई जानता है। भुवन ने इसका ऑफिशियल वीडियो भी शूट किया जिसमें 400 मिलियन व्यूज पूरे भी होने वाले हैं। सहदेव ने 10 साल की उम्र में अपने गांव जिले का नाम दुनिया भर में मशहूर कर दिया। शायद जिस उम्र में बच्चा स्कूल ना जाने की जिद करता है। सहदेव का बचपन का प्यार तो आपने सुना ही होगा। इस वीडियो को सहदेव के टीचर ने ही शूट किया था और रातों रात ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि खुद सीएम सहदेव से मिलने जा पहुंचे और उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। उसके बाद रैपर बादशाह ने सहदेव के इस गाने को ऑफिशियली शूट किया और आज सहदेव को हर कोई जानता है। अभिलिप्सा ने हर हर शंभू गाकर भोलेनाथ को अपना प्यार दिखाया और भोलेनाथ ने अभिलिप्सा से खुश होकर इसे लोगों की पहली पसंद बना दिया। आज लोग इसमें खुशी से झूमते हुए नजर आते हैं। रानू मंडल रेलवे प्लेटफॉर्म पर गाया करती थी। दरअसल रानू पहले मुंबई के क्लब बार्स में गाया करती थी। उसके पति को यह नामंजूर था, तभी रानू पश्चिम बंगाल के रेलवे प्लेटफॉर्म पर गाकर अपना घर चलाने लगी। लेकिन एक रात रानू की आवाज सुनकर अतिंद्र चक्रवर्ती ने इसे रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। ये गाना म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर और एक्टर हिमेश रेशमिया को इतना पसंद आया कि उन्होंने रानू को एक गाना गाने का ऑफर दे दिया। ये गाना भी काफी हिट हुआ। लेकिन बाद में मीडिया में रानू के ईगो ने उन्हें दोबारा अर्श से फर्श तक ला दिया। ऋतु रेबा जब इंडियन आइडल का ऑडिशन देने आए तो उन्हें एलिमिनेशन का सामना करना पड़ा। लेकिन प्रतिभा अगर हो तो कोई भी एलिमिनेशन रोक नहीं सकता। ऋतु रेबा के साथ भी यही हुआ। उनका कंपोज और गाया हुआ गाना तैनू धूप लग गया लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने उन्हें खूब प्यार दिया और रातों रात सुर्खियों में ला दिया। आज ऋतु रेबा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जे तैनू धूप लगे आवे ता मैं छाओ बन जा। अभी हाल ही में उनके नए गाने को भी लोग खूब प्यार दे रहे हैं। तुम अपना माना कैसी। तो दोस्तों, आखिर में ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी कार्य को पूरी लगन और श्रद्धा के साथ किया जाए तो कार्य पूरा हो ही जाता है, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और अपने फेवरेट सिंगर के बारे में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।